दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में दबाए बेल आइकन की, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। हेलो, मेरा नाम है संचितर, आप देख रहे हैं टेक बार। आज हम बात करने वाले एक ऐसे फोन के बारे में जो मुझे रोड पे गिरा हुआ मिला है और मेरे को नहीं पता कि भाई ये कौन सा फोन है, इसके पीछे रियलमी लिखा हुआ और इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा मैच करती है अपकमिंग रियलमी फोन से। तो इसलिए मैं इस वीडियो को ये वाला टाइटल कर रहा हूँ। सारी बातें डिटेल में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। और इस फोन का जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है, बट हमें इसमें ग्रेडिएंट फिनिश देखने को मिल जाता है और कहीं ना कहीं रियलमी 3 जैसा है। अगर फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करता हूँ, हमें लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप और डाउन की कीज देखने को मिल जाती है और राइट साइड में पावर बटन है और नीचे की तरफ हमें हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। और हेडफोन जैक का आउटपुट क्या अल्टीमेट है यार, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे को नहीं पता यार रियलमी क्या करता है ऐसा, बट उनके सारे डिवाइस के हेडफोन जैक का आउटपुट अल्टीमेट होता है। बट यहां पर एक चीज है, हेडफोन जैक के साइड में हमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, जिसके लिए भाई मैं बताता हूं आपको माफ कर देना चाहिए क्योंकि हमें इसमें बॉक्स में फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, इसके चल के आगे चल के बात करेंगे। और राइट साइड में हमें स्पीकर देखने को मिलते हैं और वो बहुत ही अच्छे आउटपुट के साथ आते हैं। नोट 7 से अच्छा आउटपुट मेरे को इसके स्पीकर्स का लगा। तो बाकी थिकनेस के बारे में बात करता हूं, हां यार थोड़ा सा मोटा है फोन। अगर ये हल्का सा पतला होता ना तो काफी प्रीमियम फील आती फोन की। और अगर मैं बात करूं इसके सिम स्लॉट के बारे में तो हमें ट्रिपल स्लॉट देखने मिल जाता है, तो आप 2 नैनो सिम एक माइक्रो एसडी भी लगा सकते हो, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है यहां पर, खासकर हमें इंडियंस के लिए। और अगर मैं बात करूं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में तो यार क्या स्पीड वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर डाला है, मेरे हाथ में स्वेट थी और फिर भी ये इतना ज्यादा तरीके से काम कर रहा था। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर सीरियसली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और फेस अनलॉक भी अच्छा काम कर जाता है, बट वो ज्यादातर सिक्योर नहीं होते, मतलब ज्यादातर फोनों में सिक्योर नहीं होते। ईयरपीस की बात करो तो लाउड एंड क्लियर है और सारे सेंसर हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं एनएफसी को छोड़कर, बट इसमें हमें एफएम रेडियो देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.0 है और 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई भी है। और हमें इसमें वाइड वाइन L1 देखने को मिलता है, अभी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद L1 आएगा, नहीं तो अभी डिवाइस के अंदर L3 शो है। डिजाइन के बारे में यार लास्ट में ये कहना चाहूंगा, नोट 7 प्रो से कंपेयर करो तो भाई इतना प्रीमियम डिजाइन नहीं है। नोट 7 प्रो जो है फ्रंट और बैक ग्लास के साथ आता है, तो सच में भाई उसकी इन हैंड फीलिंग भी बहुत कमाल की है। और हाँ यार, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक कर जरूर जाना यार, बड़ी खुशी मिलेगी। और सब्सक्राइब तो कर ही लो क्योंकि इस फोन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है। अब बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। इसमें 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है, तो ये काफी अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं इसके बेजल्स के बारे में तो हमें काफी कम देखने को मिल जाता है, और जितने कम बॉर्डर्स होना डिस्प्ले में उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है वो फ्रंट से। और ऊपर से हमें ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, तो वो एक अट्रैक्टिव तो बनाती है फोन को। और ऊपर से हेड और चिन भी कम देखने को मिलता है। और वैसे डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी के बारे में बात करें तो मुझे काफी पसंद आई। व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे है, कॉर्नर से दिख जाती है डिस्प्ले, सैचुरेशन हल्की सी कम है और शार्पनेस तो बिल्कुल ऑन पॉइंट है, तो मुझे डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं लगी। और ऊपर से फुल एचडी प्लस है, तो यहां पर कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में, और क्या कैमरा डाला है भाई रियलमी ने। इसमें IMX519 सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि OnePlus 6T में देखने को मिलता है। और 16+5 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा, इसमें 16 मेगापिक्सल वाला 1.7 एपर्चर के साथ आता है, तो आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस तो बहुत धांसू रहने वाली है। मेरे को नहीं पता रियलमी ने कैसे पॉसिबल किया है, बट क्या अल्टीमेट कैमरा है इस फोन का। आप लोग को मैं सैंपल दिखाता हूँ, मैंने काफी कंडीशन में इसमें फोटोज खींची है और हर जगह पे यार इसने मुझे इंप्रेस किया है। डे लाइट में इतनी अच्छी इसकी डायनेमिक रेंज है, बहुत ही अच्छे कलर्स आते हैं, शार्पनेस बिल्कुल ऑन पॉइंट रहती है, लो लाइट में कम से कम नॉइज रहती है, और अच्छी बात तो ये कि आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में एक्सपोजर काफी अच्छे से मेंटेन कर लेता है। तो अभी मुझे इस फोन को कंपेयर करना है नोट 7 प्रो से, तब समझ आएगा कि भाई किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है, और वो मैं वीडियो 100% लेकर आऊंगा। तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और कैमरा यूआई के बारे में बात करो तो बड़ी सिंपल सी यूआई है, बट सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, एक्सपर्ट मोड भी है, पैनोरामा है, नाइटस्केप है और स्लो मोशन भी देखने को मिल जाता है, टाइम लैप्स है, 4K का सपोर्ट भी है और HDR तो देखने को मिल ही जाता है। और अब आप सुन के शॉक हो सकते हो कि हमें इसमें 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है F2.2 एपर्चर के साथ। इसके भी आप लोगों को थोड़े बहुत सैंपल दिखाता हूं, क्या कमाल की फोटोज आई है फ्रंट कैमरे से, इतनी शार्प सेल्फीज है, पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी काफी अच्छी काम कर रही है। ओवरऑल मेरे को फोटोज की क्वालिटी यार काफी अच्छी लगी और स्किन टोन भी अच्छी खासी मैनेज कर लेता है, तो भाई मुझे सेल्फी में कोई भी शिकायत नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में तो भाई मेरे को बोलने की
जरूरत नहीं है, आप लोग को फ्रंट और बैक दोनों के सैंपल दिखाता हूँ अभी। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस फोन के बैक कैमरे से और EIS है इसके अंदर, एक्सपोजर भी अच्छा खासा मेंटेन किया है, कलर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। फोकसिंग की बात करें तो काफी फास्ट फोकस करता है यार ये, एकदम से इसके आगे फोन लेकर आओ तो ऑन द स्पॉट फोकस होता है, तो मतलब बहुत ही अच्छी फोकस की मैकेनिज्म है इसके अंदर। एक्सपोजर की बात करें तो मैं यहाँ पर टैप टू वो करता हूँ फोकस, अब यहाँ पर देखो एक्सपोजर यहाँ तो ठीक है बट ये चीज हमें क्लियर नहीं दिख रही, तो हल्की सी इसमें जरूरत है इसको ठीक करने की। और मेरे को यार ओवरऑल क्वालिटी काफी सही लगी है, स्टेबल वीडियो भी है और फोकसिंग की कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है। और ये रिकॉर्ड हो रही है इसके फ्रंट कैमरे से और मेरे को तो 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सुनकर ही हैरानी हुई और काफी अच्छी क्वालिटी इसमें आ रही है और वीडियो स्टेबल भी है, तो आप इससे व्लॉगिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कहो एक्सपोजर भी अच्छा मेंटेन कर रहे हो, स्किन टोन भी काफी अच्छी आ रही है, हल्की सी ब्यूटिफिकेशन भी मैं देख सकता हूं। कैमरे के बारे में लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अल्टीमेट कैमरा है इसका, मैं स्पीचलेस हूं इस टाइम पे और मेरे को कहना पड़ेगा कि भाई रियलमी ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, बट काश यार इसका डिजाइन भी प्रीमियम होता ना तो परफेक्ट फोन हो जाता है। अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, इसमें स्नैपड्रैगन 710 देखने मिल जाता है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ ये आता है, एड्रीनो 616 जीपी और ये फोन तीन वेरिएंट में है, 464, 664 और 6128 जीबी। और मैंने इसकी स्टोरेज को थोड़ी बहुत स्पीड टेस्ट किए थे, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, नोट 7 प्रो से बेटर इसकी स्पीड है खासकर राइट स्पीड, और इसमें हमें LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो काफी सही लगी मेरे को, ऐप लोडिंग टाइम काफी कम था और सीधी बात तो ऐसे ही कि भाई मेरे को कलर ओएस नहीं पसंद, इसमें कलर ओएस 6.0 देखने को मिल जाता आती है जो कि एंड्रॉइड पाई के साथ आता है। तो हाँ भाई कुछ कुछ चीजें हैं जो इस फोन में थोड़ी बहुत नीचे भी है, बट स्टिल जो चिपसेट है और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी कमाल है। और अगर मैं बात करूं गेमिंग के बारे में तो मैंने इसमें खेल के देखी थी, लैग नहीं देखने को मिले और अच्छी बात यह है कि स्नैपड्रैगन 710 काफी एफिशिएंट चिपसेट है तो ये कम से कम हीट करता है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं जो नोट 7 प्रो में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 675, तो स्नैपड्रैगन 675 का सीपीयू बेटर है 710 से, बट स्टिल मेरे को 710 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी। आप कोई भी फोन खरीदते हो आपको परफॉर्मेंस में कमी तो एटलीस्ट नहीं आने वाली, हो सकता है कि आपको यूआई किसी एक की पसंद आए, मेरे को पर्सनली MIUI पसंद है, बट भाई कुछ भी को फोन काफी अच्छा बनाया है। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में और यहां पर रियलमी ने तगड़ी इंप्रूवमेंट की है, 4045 mAh की हमें इसमें बैटरी देखने को मिलती है जो कि नोट 7 प्रो से ज्यादा है, बट डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि हमें इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, तो यार ये बहुत बुरी बात है, 2019 में अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये फोन हमें इस माइक्रो यूएसबी पोर्ट की वजह से हो सकता है पुराना लगने लगे, बट स्टिल इस चीज को बैलेंस करने के लिए रियलमी ने बॉक्स में हमें 5V 2A का चार्जर दिया है, तो ये हद से ज्यादा अमेजिंग बात मेरे को लगी और मैं कहीं ना तो कहीं इंप्रेस हूं। और अगर हम बात करूं बैटरी बैकअप के बारे में तो अभी मेरे को बहुत अच्छा तो नहीं देखने मिल रहा, बट स्टिल इसका अभी अभी सॉफ्टवेयर अपडेट आया है आज ही, तो अपडेट करने के बाद मैं आपको फुल रिव्यू बताऊंगा कि इसका बैटरी बैकअप है कैसा, नहीं तो अभी के लिए भाई फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी और क्या चाहिए एक फोन के अंदर। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि मेरे को कैसा फोन लगा, तो भाई मैं इसको टाइटल देना चाहूंगा कैमरा किंग का, और लिटरली यार इसका कैमरे ने मेरे को हद से ज्यादा इंप्रेस कर दिया है, बट मेरे को एक ही शिकायत है, काश इसका डिजाइन भी थोड़ा सा और प्रीमियम कर दिया होता ना तो नोट 7 प्रो